स्टार्ट करते हैं हम लोग अपनी क्लास। तो हम लोग किसके बारे में पढ़ रहे थे? अकबर के बारे में पढ़ रहे थे, यही ना। और अकबर के बारे में भी क्या पढ़ रहे थे? उसके मिलिट्री कैंपेन्स के बारे में पढ़ रहे थे, यही ना। और अकबर के मिलिट्री कैंपेन्स के वक्त हमने क्या देखा था कि इंडिया की पोजीशनिंग क्या थी। तो एक्चुअल में जब अकबर सुल्तान बना तो इसके हाथ में बस वही दिल्ली, आगरा और थोड़ा बहुत पंजाब का हिस्सा था, बाकी सब तो क्या था? इंडिपेंडेंट था। इसमें हमने देखा था क्या? सेकेंड बैटल ऑफ पानीपत, जो उस, और इसको हमने क्या किस में देखा था? ये हुआ था अंडर बैरम खां। किसके अंडर में हुआ था? बैरम खां। यानी कि सुल्तान तो अकबर था, लेकिन लीड कौन कर रहा था उस वक्त? कमांड किसके पास थी? वो था बैरम खां के पास कमांड। और दूसरे साइड से कौन था? हेमू था, हेमू विक्रमादित्य, जो बंगाल का वजीर था, और बंगाल का जो शाह था मोहम्मद शाह, उसका वजीर था। बंगाल के सुल्तान मोहम्मद शाह का वजीर था हेमू विक्रमादित्य। तो और ये बैटल ऑफ पानीपत हमने कब देखा था? 1556 में। इसके बाद से जो भी हमने कॉन्क्वेस्ट देखे, वो सारे कॉन्क्वेस्ट या सारे कैंपेन क्या थे? खुद अकबर के लीडरशिप में थे। ये अलग बात है कि अकबर उन वॉरफेयर्स में मौजूद नहीं था खुद, लेकिन कमांड या जो आदेश दिया था वो अकबर ने ही दिया था। और उसी में हमने देखा था कि अकबर के पूरे मिलिट्री कैंपेन को हमने 3 हिस्सों में डिवाइड किया था। क्या किया था? कॉन्क्वेस्ट ऑफ नॉर्दर्न इंडिया, देन कॉन्क्वेस्ट ऑफ नॉर्थ नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया, और देन कॉन्क्वेस्ट ऑफ डेक्कन। इन 3 हिस्सों में डिवाइड किया था, जिसमें हमने कॉन्क्वेस्ट ऑफ नॉर्दर्न इंडिया को पढ़ा, यही ना, कॉन्क्वेस्ट ऑफ नॉर्दर्न इंडिया पढ़ा। और इसमें हमने पहले क्या देखा? सेज ऑफ चित्तौड़, यानी कि जो मेवाड़ की राजधानी थी उस चित्तौड़ को अकबर जीतता है। लेकिन बहुत बड़ा हिस्सा अभी भी मेवाड़ का किसके हाथ में था? वहां के राजा के हाथ में ही था, ठीक है। उसके बाद जो इसका इम्पोर्टेंट है वो है मालवा, कब है? 1561। अब देखिए हमने क्या देखा था, 1560 में बैरम खां को हज के लिए भेज देता और उनकी डेथ हो जाती है गुजरात में, हत्या कर दी जाती है। तो अब यानी कि सब कुछ किसके हाथ में? अकबर के हाथ में ही है। मालवा के बाद हमने क्या देखा था? जौनपुर एंड चुनार एक साथ दोनों ने सरेंडर कर दिया था बारी बारी से। उसके बाद हमने देखा था गोंडवाना, गोंडवाना कब देखा था? 1564 में। और यहां पर कौन थी? यहां पर थी रानी दुर्गावती, यहां पर थी रानी दुर्गावती। और मालवा में कौन था? बाज बहादुर। और इसकी वाइफ कौन थी? बाज बहादुर की वाइफ रानी रूपमती। तो ये दोनों इंपॉर्टेंट आपको याद रखना है। इसके बाद हमने क्या देखा? गोंडवाना के बाद उसको हमने देखा कि अकबर को ढेर सारे या 2 से 3 उज्बेक रेबेलियन, यानी इसके जो उज्बेक कमांडर या नोबल्स थे, उन्होंने क्या किया था? अकबर के खिलाफ रिबेल किया था अपने आप को इंडिपेंडेंट बनाने के लिए। और वहां से अकबर ने पूरी तरह से अपनी शासन करने की पॉलिसी एक तरह से बदल दिया। और बदल क्यों दिया? क्योंकि उसने देखा कि मैं सिर्फ और सिर्फ उज्बेक नॉबल्स के भरोसे नहीं रह सकता हूं, मुझे यहाँ के लोकल नॉबल्स चाहिए, लोकल फ्यूडल लॉर्ड्स चाहिए, लोकल राजा चाहिए, जो मुझे, और कैसे चाहिए? फेथफुल लोग चाहिए,
जो मुझे शासन में मदद करें और यहाँ के लोगों को यहाँ के सिस्टम के हिसाब से ही गवर्न करना पड़े। तो उसने क्या किया, इसी नॉर्दर्न इंडिया के में ही हम लोगों ने पढ़ा कि वो किधर मूव किया, राजपूत को जीतने की तरफ मूव किया। तो उसी में हमने क्या देख लिया, राजपूत पॉलिसी ऑफ अकबर, ये देखा हमने। तो ये जो नॉर्दर्न इंडिया का कॉन्क्वेस्ट है, उसी में हम लोग जब अगर इसको थोड़ा सा इसको अगर आप साइड कर दो इस टॉपिक को, तो उज्बेक के बाद आप क्या पढ़े हो, आप पढ़े हो कॉन्क्वेस्ट ऑफ रणथंबोर, यही पढ़े हो ना आप। देखो पीछे की क्लास तो आपको क्या मिलेगा, यहां मिलेगा उज्बे कॉन्क्वेस्ट ऑफ रणथंबोर। तो रणथंबोर भी क्या है भाई, राजस्थान का हिस्सा है ना, देखा जाए तो एक बहुत बड़े मैप के हिसाब से देखा तो नॉर्थ इंडिया को देखा जाए, क्योंकि हम लोग विंध्या रेंज के साउथ और विंध्या रेंज का नॉर्थ ले रहे हैं, विंध्या रेंज को क्या कर रहे हैं, डिवाइडिंग रेंज मान रहे हैं। और ज्योग्राफिकली देखा जाए तो विंध्या क्या है, डिवाइडिंग रेंज है ही है, क्योंकि विंध्या रेंज के नॉर्थ का पानी नॉर्थ में रहता है, सारी नदियाँ हमने देखी हैं, और विंध्या रेंज के साउथ का पानी पूरा का पूरा साउथ इंडिया का में रहता है, गोदावरी हो गई, क्या कहते हैं गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, ये सब क्या है साउथ इंडिया। और उधर विंध्या रेंज के नॉर्थ में कौन है, तो गंगा है, चंबल है, सोन है, यमुना है, वो सारा नॉर्थ वाला हमने देखा है, इस वो पानी नॉर्थ की तरफ बहता है और इधर का पानी साउथ वाला। साउथ में अरेबियन सी कौन है, नर्मदा रिवर हो गई, तापी हो गई, गोदावरी हो गई, कृष्णा हो गई, महान, ये सारी क्या है इधर साउथ वाली है। तो अगर मैं इसको, इसलिए रणथंबोर वाला जो इसने जीता, रणथंबोर के बाद हमने देखा सबमिशन किसका, सबमिशन ऑफ कलिंजर, उसके बाद जोधपुर, उसके बाद जोधपुर के बाद कौन था, बीकानेर, उसके बाद जैसलमेर। तो ये सब क्या है भाई, क्या है ये सब, ये सब तो नॉर्थ इंडिया का ही कॉन्क्वेस्ट के रूप में देखा जाएगा ना। तो इनको पढ़ाने के साथ ही मैंने आपको क्या पढ़ा दिया, राजपूत पॉलिसी ऑफ अकबर, बस वो एक पैराग्राफ मैंने आपको लिखवा दिया इस तरह से कि आप समझो कि राजपूत को जीतने के लिए अकबर ने क्या-क्या तरीके अपनाए। तो मैट्रिमोनियल्स अलायंस किया, तो वो हमने देखा अंबर के राजा राजा भारमल, उन्होंने मैट्रिमोनियल्स अलायंस के तहत अपनी बेटी हरखा भाई का विवाह अकबर से कर दिया, और उसमें मान सिंह जो उनके ग्रैंडसन थे वो इनके यहाँ और इनके उनके बेटे मनसबदार बने, और उन्हीं मान सिंह के भरोसे अकबर ने फिर क्या किया, बैटल ऑफ हल्दी घाटी को जीता। बैटल ऑफ हल्दी घाटी 1576, और ये मेवाड़ अकबर बहुत बड़ा हिस्सा मेवाड़ का यहाँ जीत लेता है। वो अब बात की बात है कि बाद में फिर राणा प्रताप, यानी कि जिनको हम लोग महाराणा प्रताप करते, उन्होंने फिर कुछ एरिया अपना एकुपाई किया, और ये मेवाड़ के साथ मुगल साम्राज्य का युद्ध जहांगीर के टाइम तक चलता रहा, वो हम लोग जहांगीर में देखेंगे। तो यहाँ से क्या हमें पिता, तो ये पूरा अगर आप बस एक पैराग्राफ हटा दो तो आपको क्या मिलेगा, ये और ये क्या है अकबर का नॉर्थ इंडिया कॉन्क्वेस्ट है ना। सिर्फ एक पैराग्राफ हटा दो कि अकबर को राजपूत का साथ क्यों चाहिए था, अकबर जो मैंने लिखवाया है कि अकबर राजपूतों को प्रेफर क्यों किया अपने साथ में मिलाने के लिए, वो आपको बस यहाँ से पता चलेगा। तो अगर कभी अकबर की पॉलिसी पूछी जाएगी कि अकबर की राजपूताना पॉलिसी के बारे में आपको एक्सप्लेनेशन मांगा जाएगा, तो आपका आंसर यहाँ से लेके यहाँ तक होगा, ठीक है। कभी क्वेश्चन आए कि अकबर के नॉर्थ इंडिया के कॉन्क्वेस्ट को बताइए, तो आपका आंसर क्या होगा, यहाँ से यहाँ तक, बीच में ये चीज़ें छोड़ देनी है एक पैराग्राफ, और यहाँ से यहाँ तक, ये जो ग्रीन वाला हिस्सा है ये क्या है, ये अकबर का नॉर्थ इंडिया का कॉन्क्वेस्ट है। और अगर अकबर की राजपूताना पॉलिसी पूछी जाएगी, तो ये रेड वाला जो हिस्सा है ये अकबर की राजपूताना पॉलिसी है, समझिए ध्यान से, ठीक है।
ये रेड वाला हिस्सा क्या है, अकबर की राजपूताना पॉलिसी है, और ये हिस्सा ग्रीन जो आपको दिख रहा है ये अकबर का नॉर्दर्न इंडिया का कॉन्क्वेस्ट है, यानी नॉर्दर्न इंडिया को कैसे उसने जीता। और फिर लास्ट में मैंने क्या लिखवाया कि अकबर के बेनिफिट क्या हुआ, राजपूताना को जीतने से अकबर को क्या फायदे हुए, तो मैंने लिखवा दिया कि हर तरह से सोशल इकोनॉमिकल हर तरीके से फायदा अकबर को यानी कि मुगल साम्राज्य को मिला राजपूत को अपने साथ में लेने से, चाहे वो मैट्रिमोनियल अलायंस के थ्रू लिया हो, चाहे वो किस तरह से बाय फोर्स यानी कि जीत कर उनको अपने साथ मिलाया हो। लेकिन अकबर की सबसे अच्छी नीति क्या थी, अकबर जीतने के बाद उसको डायरेक्ट अपने कंट्रोल में लेता था, उसी राजा को या उसके किसी वंशज को क्या करता था, वहाँ का राजा बनाता था और उसके उसको अपने कंट्रोल में उस साम्राज्य को कर लेता था कि अब तुम मेरे कंट्रोल में रहो, यानी तुम्हारी सारी फॉरेन पॉलिसी कौन डील करेंगे, हम डील करेंगे, और इंटरनल मैटर तुम डील करो। इससे क्या होता था कि वो सब के सब उसके अंडर में रहते थे वो सारे राजा। तो ये अकबर की एक बहुत ही चालाकी भरी पॉलिसी थी। तो यहाँ तक तो अकबर ने राजस्थान को जीता, और मैंने आपको जब गुजरात का पढ़ाया तो उसमें मैंने आपको बताया कि राजपूताना जीतने के बाद अकबर कहाँ मूव कर गया, गुजरात की तरफ, और गुजरात जाने का क्या फ़ायदा था कि वहाँ से उसको इंटरनेशनल ट्रेड मिल रहा था। क्या मिल रहा था, वहाँ से उसको इंटरनेशनल ट्रेड मिल रहा था। इस वजह से गुजरात अकबर के लिए या मुगल साम्राज्य के लिए जरूरी था, क्योंकि इकोनॉमी बहुत तेजी से ग्रो करती। ठीक है, तो ये रब कर रहा हूँ, अब इसके आगे हम लोग लिखना शुरू करेंगे। हेडिंग दे दीजिए, अकबर को पढ़ रहे हैं, अकबर के बारे में क्या पढ़ रहे हैं, उसका मिलिट्री कैंपेन पढ़ रहे हैं, और मिलिट्री कैंपेन में भी क्या पढ़ रहे हैं, नॉर्दर्न इंडिया कॉन्क्वेस्ट पढ़ रहे हैं, और उस नॉर्दर्न इंडिया कॉन्क्वेस्ट में हमने अब तक सारा कुछ देख लिखा, राजपूताना देख रखा, अब क्या बचा है, सिर्फ और सिर्फ बचा है गुजरात का हिस्सा। क्या बचा है, गुजरात। तो हम लोग पढ़ेंगे कॉन्क्वेस्ट ऑफ गुजरात, क्या पढ़ेंगे, कॉन्क्वेस्ट ऑफ गुजरात 1572 to 1573। तो देखिए ये बैटल ऑफ हल्दी घाटी से पहले की घटना है। बैटल ऑफ हल्दी घाटी कब है, 1576 में है। तो मैंने क्या बताया कि मेवाड़ को बीच में वो छोड़कर यानी राजपूताना का जब मैक्सिमम हिस्सा वो जीत चुका है, 1570 तक वो मैक्सिमम जीत चुका था, सिर्फ मेवाड़ का हिस्सा बचा हुआ था, उसमें मेवाड़ में भी वो उसकी राजधानी चित्तौड़ पर कब्जा कर चुका था। तो अब यहाँ से जब वो देखता है कि अब मेवाड़ थोड़ा सा टफ हो रहा है, तो वो मेवाड़ से कहाँ मूव कर जाता है, गुजरात की तरफ, और गुजरात के में मूव करने के उसको क्या बेनिफिट्स थे वो हम लोगों ने देख रखा है पिछली क्लास में। अब हम लोग देखेंगे कि गुजरात वो जीतता कैसे है। यहाँ से हम लोग कहानी क्या देखेंगे कि अकबर गुजरात को जीतता कैसे है। तो थोड़ा सा गुजरात की हिस्ट्री को उस वक्त समझते हैं कि उस वक्त गुजरात में हो क्या रहा था, और फिर कैसे अकबर गुजरात को अपने कंट्रोल में करता है। ठीक है, चलिए तो अब शुरू करते हैं। तो यहाँ से लिखिएगा, लिखिए आफ्टर द डेथ ऑफ इट्स एबल रूलर, आफ्टर द डेथ ऑफ इट्स एबल रूलर कौन, बहादुर शाह, लिखिएगा कॉमा, गुजरात हैड नो सुल्तान ऑफ मार्क्ड
एबिलिटी, यानी जो सबसे इम्पोर्टेंट है यूं कहे कि मजबूत राजा गुजरात का था वो था कौन, बहादुर शाह। अब गुजरात में बहादुर शाह तक हम लोग कैसे पहुंचे, तो ये मैंने आपको बता रखा है कब, आफ्टर द ब्रेकअप, आफ्टर द डिक्लाइन या आफ्टर द वीकनेस ऑफ दिल्ली सल्तनत मोहम्मद बिन तुगलक के बाद कैसे कौन कौन से रियासतें डेवलप हुई थी, जिसमें मैंने आपको मेवाड़ बताया, कश्मीर बताया, गुजरात बताया, बंगाल बताया, खानदेश बताया, मालवा, जौनपुर, बिदर सब बताया हूँ, अहमदनगर, गोलकुंडा, बीजापुर यानी कि बहमनी, विजयनगर सारा बता रखा हूँ। तो एक बार वहाँ जब आप बैकअप में जाओगे तो आपको पता चलेगा गुजरात को सबसे पहले किसने जीता, अलाउद्दीन खिलजी ने। थोड़ा सा आपको बैकअप समझा देता हूँ कि अलाउद्दीन खिलजी, ये जाकर आप पीछे की क्लास में देखना, नोट्स में आपको दिखेगा, अलाउद्दीन खिलजी ने क्या किया था, गुजरात को जीतकर दिल्ली में मर्ज किया था। तो अलाउद्दीन खिलजी मर्ज्ड गुजरात इनटू दिल्ली सल्तनत। और फिर हमने देखा कि एक कौन था, नसरुद्दीन महमूद ने जफर खां को गवर्नर बनाया था गुजरात का। कौन, नसरुद्दीन महमूद ने किसको, जफर खां, किसको, जफर खां गवर्नर था गुजरात का। और इसी जफर खां ने क्या किया था, इंडिपेंडेंट स्टेट बनाया था गुजरात को, ठीक है, किसने, इसी जफर खां ने। फिर क्या हुआ था, अहमद शाह आया, उसके बाद अहमद शाह ने जजिया वगैरह लगाया, फिर महमूद बगादा आया, ऐसे कर करके ढेर सारे आए। और बाद में फिर हमने देखा कि एक इम्पॉर्टेंट रूलर था जिसका नाम था बहादुर शाह। अब बहादुर शाह वो इम्पॉर्टेंट रहा जिसके बाद गुजरात में कोई इम्पॉर्टेंट या यूं कहिए कि अच्छा शासक नहीं हुआ। तो खैर इसको तो आप उस पर, उस गुजरात की हिस्ट्री को जाकर एक बार वहाँ देखिएगा या रिवाइज कीजिएगा, आपको ये चीज़ें याद आ जाएंगी। तो हम उतना नहीं जाएंगे डिटेल में, हम इतना समझते हैं कि बहादुर शाह के टाइम के बाद से आगे की कहानी यहाँ पर हम लोग देखेंगे, कब, अकबर के समय क्या हो रहा था गुजरात में, अकबर से पहले गुजरात में क्या था वो हम लोगों ने पहले पढ़ चुके हैं पहले की क्लासेज में। तो अब क्या होगा, बहादुर शाह के डेथ के बाद, अब लिखिएगा नेक्स्ट पॉइंट, लिखिए इन 1572। अच्छा यहाँ सब कुछ सीई में चल रहा है, ये याद रखिए सब कुछ सीई में चल रहा है, अब बीसी का टाइम बहुत पहले ही हम लोग ख़त्म कर चुके हैं, ठीक है, हर्षवर्धन के बाद से ही बीसी ख़त्म हो चुकी है, ठीक है, तो यहाँ सीई चल रहा है। तो इन लिखिए इन 1572 सीई गुजरात वाज डिवाइडेड इनटू सेवन वेरिंग प्रिंसिपैलिटीज, सेवन वेरिंग प्रिंसिपैलिटीज अंडर द नॉमिनल किंग मुजफ्फर शाह थर्ड, यानी बहादुर शाह के बाद जो राजा बना वो था मुजफ्फर शाह थर्ड। और इस मुजफ्फर शाह के टाइम पर क्या हुआ, गुजरात को 7 छोटे छोटे प्रिंसिपैलिटीज में डिवाइड करना पड़ा था। अब क्या होगा, लिखिए नेक्स्ट पॉइंट, अब कहानी कहाँ पर पहुँची, तो लिखिएगा इसके बाद क्या हुआ, लिखिए आल्सो इन दिस लिखिए आल्सो इन दिस डिस्ट्रैक्शन
या आल्सो इन दिस डिस्ट्रैक्टेड, ऐसे लिखे, आल्सो इन दिस डिस्ट्रैक्टेड किंगडम किंगडम सम एंटी मुगल एलिमेंट्स लाइक उज़्बेक्स एंड मिर्ज़ाज़ हैड फाउंड शेल्टर। तो मैंने आपको बताया था कि उज़्बेक रिबेलियन हुआ था, तो जब अकबर ने उनको सप्रेस किया और वहां से हटाया तो बहुत से उज़्बेक नोबल्स क्या हुए, डर के मारे अपने एरिया से बाहर उन्होंने पलायन कर लिया, और पलायन करके जो जिन्होंने रिबेल किया था उनमें से कुछ उज़्बेक नोबल्स और मिर्जा नोबल्स ने कहा गुजरात में शरण ली थी, और ये गुजरात में के राजा को पता भी नहीं था, सेन प्रिस्मेंट था, किसी भी अपने को थोड़ा बहुत पैसे दिया, लालच दिया और उसके में क्या किया, वहां पर अपना शरण ले लिया, शेल्टर ले लिया। अब क्या हुआ, तो नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा, अकबर को तो क्या था, बहाना चाहिए था। अब ये जो उज़्बेक और मिर्जाज थे जो उन्होंने वहां शेल्टर लिया था, जो एंटी मुगल एलिमेंट्स यानी कि मुगल सल्तनत को के खिलाफ थे, क्योंकि इन्होंने रिबेल किया था, तो अकबर को तो बहाना चाहिए था और बहाना भी उसको मिला था। साथ में एक और चीज उसको फायदा मिला, लिखिएगा, वन ऑफ द नोबल्स या वन ऑफ द नोबल वन ऑफ द नोबल्स ऑफ गुजरात गुजरात इतिमाद खां इतिमाद खां अपील्ड टू अकबर अपील्ड टू अकबर एंड रीच्ड अहमदाबाद इन नवंबर 1572। यानी कि गुजरात के अंदर से ही अकबर को इनविटेशन मिल गया। क्या मिला, गुजरात के अंदर से ही वहां के नोबल इतमीदाद खां ने ही, जैसे बाबर को बुलाया गया था, इनविटेशन दिया गया था दौलत खान लोधी और बाकियों के द्वारा, वैसे ही यहां पर भी गुजरात के नोबल के द्वारा ही अकबर को इनविटेशन मिल गया कि आप आ जाओ और क्या करो, यहां पर सत्ता संभाल लो। यानी अकबर को कोई वॉर नहीं करना पड़ा। अभी देखिएगा कैसे, खैर यहां तक लिख लिया तो रब कर दो, आगे लिखते हैं। यहां तक नोट डाउन हो गया ना, तो हम लोगों ने क्या देखा कि गुजरात का नोबल जिसका नाम था क्या बताइए, इतमीदाद खान, उसने खुद ही अकबर को इनविटेशन भेजा। ठीक, नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा, लिखे मुजफ्फर शाह डिड नॉट ऑफर एनी रेजिस्टेंस। मुजफ्फर शाह ने तलवार उठाकर ये भी नहीं कहने की हिम्मत की कि यहाँ आप लोग कैसे आ गए, एंड सबमिटेड, और उसने सरेंडर कर दिया। जैसे ही अकबर पहुंचा वैसे उसने सरेंडर कर दिया। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, अब सरेंडर कर दिया तो शासन किसके हाथ में आ गया, अकबर के हाथ में। लेकिन देखिए अकबर की यही
क्या कहते हैं, कुछ लोग उसको दरिया दिल्ली कहते हैं और कुछ, लेकिन मैं कहता हूँ कि अकबर की ये चतुराई थी। क्या थी? अकबर की ये चतुराई थी। अकबर ने क्या किया, सारा एडमिनिस्ट्रेशन का अरेंजमेंट करके और फिर दिल्ली चला आया, आगरा। ठीक है, उसने मुजफ्फर शाह को हटा के साथ साथ अपने वफादार लोगों को वहां पर एडमिनिस्ट्रेशन में रख दिया और कहा कि अब तुम मेरे अंडर में रहो। तो अब ये क्या है, ये अपने आप को उसका वफादार बना कर रखेगा, उसका फेथफुल बना कर रखेगा। अगर थोड़ा भी कुछ गलती हुआ तो हाथ से वो क्या जाएगा, सिंहासन, मतलब जो राजा का पद भी मिला वो चला जाएगा, कोई और बन जाएगा राजा। वैसे भी राज्य तो उसके हाथ में रहा नहीं, केवल नाम मात्र का राजा है, तो वो भी खत्म हो जाएगा। तो इस वजह से ये अकबर की बहुत बढ़िया, एक तरह से कहिए कूटनीति थी, कि किसी को हटाओ मत या किसी को दुश्मन मत बनाओ, उसको हरा कर उसको अपने एहसानों तले दबा दो। क्या करो, एहसान तले दबा दो। और अगर थोड़ा वो रेजिस्टेंस करेगा भी तो हमारे पास इतनी बड़ी आर्मी है कि हम उसको क्या करेंगे, तुरंत सप्रेस कर देंगे, तुरंत उसको रिप्लेस कर देंगे सप्रेस करके। तो ये सारा अकबर की क्या थी, बहुत अच्छी नीति थी ये। तो लिखिएगा, आफ्टर मेकिंग अरेंजमेंट्स, आफ्टर मेकिंग अरेंजमेंट्स फॉर द एडमिनिस्ट्रेशन, फॉर द एडमिनिस्ट्रेशन ही, या ऐसे ही मतलब फॉर द एडमिनिस्ट्रेशन, अकबर वेंट टू कैम्बे, यानी कि खम्बट, देयर ही हैड द फर्स्ट साइट, देयर ही हैड द फर्स्ट साइट ऑफ द सी। अकबर ने पहली बार समुद्र अपनी लाइफ में देखा तो कैम्बे से देखा, कैम्बे खम्बाट की खाड़ी, वहां गया और वहां से उसने पहली बार क्या देखा, समुद्र को देखा। उसके लिए क्या था, एक बिल्कुल ही नया एक्सपीरियंस था, एक नया तजुर्बा था। आज तक अकबर ने कभी भी समुद्र नहीं देखा था, सी नहीं देखा था, क्योंकि भाई देखा जाए तो सिंध में पला बड़ा, वहां से आया आगरा, दिल्ली में रहा, उसके बाद चारों तरफ राजस्थान, वो भी मरुस्थली एरिया, थोड़ा बहुत इधर उधर घूमा, तो समुद्र की तरफ तो पहुंचा नहीं। पहला ये अगर एरिया उसने जीता था जो सी पोर्ट से लगता था, तो वो था गुजरात। और वहां जब वो कैम्बे आया तो वहां से उसने पहली बार समुद्र को देखा। तो कई बार छोटे एग्जाम्स में वन डे में क्वेश्चन पूछा था कि अकबर ने पहली बार समुद्र कहाँ से देखा था, तो वो कैम्बे। ठीक है, ठीक, नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा, आल्सो आल्सो केम इंटू कॉन्टैक्ट, आल्सो केम इंटू कॉन्टैक्ट विथ पोर्टुगीज, टर्किस एंड अदर फॉरेन मर्चेंट्स। तो अभी तक भारत में यूरोपियन और टर्किश मर्चेंट्स आ चुके थे, तो हमें पता ही है टर्किश तो 1498 में आ चुके थे, वास्को डी गामा के समय, और हमने विजयनगर के साथ पोर्टुगीज के रिलेशन देखे हैं, बहमनियों के साथ देखे, और तो और दीव पर पोर्टुगीज के कंट्रोल भी देखे हैं। साथ में उस पूरे एरिया में जब कोई भी इंडियन शिप जाती थी तो पोर्टुगीज उनसे क्या करते थे, किसी भी कम किसी पाती तो पोर्टुगीज उनसे टैक्स वसूला करते थे। तो ये सब हमने देख ही रखा है। तो अब पहली बार अंग्रेज मतलब पोर्टुगीज यूरोपियन से, टर्किश से अकबर ने यहीं पर उसकी मुलाकात हुई फॉरेनर से।
यानी कि जिनको हम लोग फॉरेन मर्चेंट्स कहते हैं, पहली बार हुई। लेकिन अभी ये लोग या इंडिया में सिर्फ और सिर्फ एक व्यापारी के रूप में हैं। क्यों? क्योंकि इंडिया की जो एडमिनिस्ट्रेशन है, मुगल एडमिनिस्ट्रेशन, बहुत मजबूत है, बहुत बड़ी है। तो अभी तक ये लोग कुछ भी चूचा नहीं करेंगे। असल में ये लोग चूचा करना शुरू करते हैं कब? 1600 के बाद से। और एक्चुअल में अगर करते हैं तो वो करते हैं औरंगजेब के डेथ के बाद से, ठीक है। औरंगजेब तक ये लोग ज़्यादा चूचा नहीं कर पाते हैं फॉरेनर्स, क्योंकि औरंगजेब तो अकबर से भी बड़ा साम्राज्य बनाता है, लेकिन वो अलग बात है कि उसको संभाल नहीं पाता है, क्योंकि वाकई में बहुत बड़ा था उस टाइम के अनुसार। खैर, यहाँ नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा, बट मीनवाइल, यानी अकबर के लौटने के बाद, तो लिखिएगा बट मीनवाइल द मिर्जा, कौन? मिर्जाज जो वहाँ पर शेल्टर ले रखे थे, उन मिर्जाज ने क्या किया? मिर्जाज ने आपस में इकट्ठा होकर छोटी सी आर्मी बनाकर क्या किया? मिर्जाज सीज्ड ए कंसिडरेबल पार्ट ऑफ गुजरात, देन अकबर डिफीटेड देम एंड लिबरेटेड द टाउन्स बरोडा, जो आज बरोडरा है, बरोडा, चंपानेर एंड सूरत, देन ही रिटर्न्ड टू फतेहपुर सीकरी। यानी अब तक वो फतेहपुर सीकरी का एस्टेब्लिशमेंट करके उसको अपनी राजधानी बना चुका था। तो यहाँ से कहानी आपको ये समझ में आई, ये लिखवाने का सिर्फ ये पर्पज़, सिर्फ का यूँ समझिए कि कहानी का पर्पज़ ये था कि अकबर ने गुजरात को बहुत आसानी से जीता। लेकिन जब आपको ये बात याद रख रही हो कि अकबर ने पहली बार समुद्र गुजरात से देखा, तो यानी कि आपके दिमाग में बात बैठ जानी चाहिए कि अकबर गुजरात खुद गया था जीतने, अकबर ने गुजरात खुद गया था। अभी तक हमने जितने भी इसके कॉन्क्वेस्ट या कैंपेन देखे उसमें अकबर नहीं था, लेकिन यहाँ अकबर खुद गया था, ठीक है। तो फतेहपुर सीकरी, नेक्स्ट इसी में कॉमा देके लिखिएगा, फतेहपुर सीकरी इन मार्च 1573 आफ्टर मेकिंग एडमिनिस्ट्रेटिव अरेंजमेंट्स। इस तरह से गुजरात क्या हुआ? अकबर के कंट्रोल में आया। पर अभी कहानी गुजरात की खत्म नहीं हुई, अभी गुजरात की कहानी खत्म नहीं हुई। क्या अब कहानी शुरू हुई? देखिए, जैसे ही अकबर फतेहपुर सीकरी लौटा मार्च 1573 में, ऐसे ही उसके जस्ट 6 महीने बाद फिर एक रिबेलियन हुआ, क्योंकि दूरी ज़्यादा थी ना। तो लिखिएगा, एक लाइन गैप करके लिखिएगा, देखिए, आफ्टर अकबर्स रिटर्न After Akbar's return from Gujarat, within
सिक्स मंथ्स, विद इन सिक्स मंथ्स ए फ्रेश रेबेलियन ब्रॉक आउट सो अकबर मार्च्ड वेरी क्विकली टुवार्ड्स गुजरात एंड बिटवीन 40 to 45 डेज ही केम बैक आफ्टर सप्रेशिंग द रेबेलियन। अब सोचिए कि गुजरात अकबर के लिए कितना इम्पोर्टेंट था। चाहता तो 6 महीने बाद जो दोबारा से एक छोटा सा रेबेलियन था, अपने लोगों को भेजकर, अपने कमांडर को भेजकर क्या करता, सप्रेस करवा देता। लेकिन गुजरात की इम्पोर्टेंस अकबर को समझ में थी, इसलिए थोड़ा भी वो गुजरात को लेकर रिस्क नहीं लेता था। तो रिवेलियन जैसे वो सोचिए फतेहपुर सीकरी यानी आगरा से गुजरात पहुंचा और वहां सप्रेस करके फिर वापस आ गया, तो कितना क्विक मूवमेंट अकबर का रहा होगा कि आप इतने बड़ी फौज के साथ आप मार्च कर रहे हो आगरा से गुजरात की तरफ और रेबेल को सप्रेस करके वापस भी आ जा रहे हो, क्योंकि बहुत लंबे समय तक के लिए आपको अपनी राजधानी भी नहीं छोड़नी है। बहुत लंबे समय के लिए आप राजधानी भी राजा नहीं छोड़ सकता था। तो इस तरह से आप खुद ही समझ लीजिए कि अकबर के दिमाग में गुजरात का इम्पोर्टेंस कितना था, कि वहाँ पर कोई मजबूत शासक नहीं था, वहाँ पर अकबर को क्या कहते हैं, एक तरह से उस चैलेंज करने के लिए कोई भी अकबर को रेजिस्टेंस करने के लिए कोई मजबूत शासक नहीं था। फिर भी अकबर गया, जो राजपूताना जीतने नहीं गया खुद से, वो गुजरात को जीतने गया खुद मार्च करके, और एक बार नहीं दो बार गया। इसी से आप समझ सकते हो कि अकबर के लिए गुजरात कितना इम्पोर्टेंट था, क्योंकि अकबर इस चीज़ को समझता था कि अगर हम गुजरात को जीते रहेंगे तो हमारी इकोनॉमी, हमारा ट्रेड बना रहेगा, और ट्रेड और इकोनॉमी हर राज्य के लिए इम्पोर्टेंट है। देखा जाए तो दिल्ली सल्तनत के ब्रेक होने का सबसे बड़ा रीज़न था कि मोहम्मद बिन तुगलक की पॉलिसी फेल हुई, और मोहम्मद बिन तुगलक की पॉलिसी फेल होने से क्या हुआ था, जो दिल्ली सल्तनत को इकोनॉमिकल लॉसेज बहुत ज़्यादा हुए थे, और उसका नतीजा क्या निकला कि दिल्ली सल्तनत इतना वीक हुआ कि अलग अलग हिस्सों में टूट गया, फिर उतना बड़ा दिल्ली सल्तनत नहीं बन पाया। तो ये चीज़ अकबर के दिमाग में कहीं ना कहीं रही होगी कि, और हर राजा के दिमाग में बात है कि भाई अगर साम्राज्य चलाना है और बड़ा साम्राज्य चलाना है तो हमें इकोनॉमी भी अपनी मजबूत रखनी है, और गुजरात वो पहला एरिया उसको दिखा जहाँ से वो ट्रेड कर सकता है, वो भी कहाँ, यूरोपियन से, टर्किस, पर्सिया, हर जगह से ट्रेड हो सकता था। तो और इंडिया के सामान की उस वक्त वैल्यू थी, इंडिया के सिल्क की, इंडिया के मसालों की, इंडिया के अनाज की, इन्हीं सब चीज़ों की तो वैल्यू थी। वो सब इंडिया से क्या लेते, इंडिया का अनाज ले जाते थे, इंडिया से सिल्क ले जाते थे, और बदले में सोने चांदी सब कुछ दे जाते थे। तभी तो इंडिया सोने की चिड़िया कही जाती थी, ठीक है। तो लूटा अंग्रेजों ने ना, मुगल्स के टाइम में तो इंडिया के देखी जाए तो तरक्की ही हुई है, खासकर इकोनॉमी की। शाहजहां के टाइम तक आते आते इंडिया पूरे वर्ल्ड का 1/4 व्यापार अकेले किया करता था, होता था इंडिया से। 25%
24.9% हम इंडिया मतलब मुगल साम्राज्य की भागीदारी थी पूरे वर्ल्ड के क्या कहते हैं ट्रेड में। तो इसी से आप अंदाजा सकते हो तो कि यह क्या है, ये इकोनॉमिक डेवलपमेंट का टाइम था पूरी तरह से। और इकोनॉमिक डेवलपमेंट होता सामाजिक सोशल हर तरह का डेवलपमेंट हो रहा था समाज में। खैर नेक्स्ट पॉइंट लिखिए और इसको स्टार मार्क कर लीजिए, लिखिएगा टू कॉमेमोरेट, टू कॉमेमोरेट दी विक्ट्री, टू कॉमेमोरेट द विक्ट्री ऑफ गुजरात, टू कॉमेमोरेट द विक्ट्री ऑफ गुजरात कॉमा अकबर, अकबर बिल्ट बुलंद दरवाजा, बुलंद दरवाजा एट फतेहपुर, एट फतेहपुर सीकरी, फतेहपुर सीकरी। तो ये हम लोग कहाँ पर आर्ट और आर्किटेक्चर में पढ़ेंगे फतेहपुर सीकरी के बारे में, और वहीं पर हम लोग बुलंद दरवाजा के बारे में पढ़ेंगे। कहा जाता है कि इंडिया का सबसे बड़ा दरवाजा है, एक दरवाजे को खोलने के लिए शायद 2 या 3 हाथी लगाने पड़ते थे, तो हाथी खींच के दरवाजे को खोलते थे और वही बंद करते थे। तो ये मत समझे सिर्फ दरवाजा, पूरा उसका स्ट्रक्चर को लेकर दरवाजा कहा जा रहा है। क्या पूरे स्ट्रक्चर को लेकर दरवाजा कहा जाएगा कि वो दीवार उसमें बाकी सारा कुछ करना। तो ये क्या था, ये फतेहपुर सीकरी उसने एक शहर ही बसवाया था अकबर ने, और उसमें को चारों तरफ बाउंड्री वॉल से घिरवाया और क्या किया, जो क्या कहते हैं दरवाजा मेन था वहाँ पर, उसी को हम लोग किस नाम से जानते हैं, बुलंद दरवाजा के नाम से जानते हैं। तो गुजरात का इम्पोर्टेंस एक यहाँ से भी मिलता है कि गुजरात को जीतने के बाद अकबर ने उसकी याद में बुलंद दरवाजा बनवाया। लेकिन देखिए ना मेवाड़ की जीत पर, ना रणथंभौर की जीत पर, किसी और जीत पर, गुजरात की जीत पर उसने दरवाजा का निर्माण करवाया कंस्ट्रक्शन। क्यों? क्योंकि यो उसको समझ था कि गुजरात उसके लिए कितना इम्पोर्टेंट है। तो इस तरह से गुजरात के कॉन्क्वेस्ट की कहानी समाप्त हुई। अब हम लोग चलेंगे, अब गुजरात के बाद वो ईस्ट इंडिया यानी कि बिहार और बंगाल की तरफ मूव करता है, लेकिन हम लोग इसको नॉर्थ इंडिया के कॉन्क्वेस्ट में ही पढ़ेंगे क्योंकि वहाँ के लोकल के रूप में। तो ईस्ट वाले हम विंध्या को लेकर चल रहे हैं, तो विंध्या से अभी भी क्या है, ये नॉर्थ में ही है। तो अब गुजरात के बाद वो कहाँ मूव करेगा, बिहार और बंगाल की तरफ। तो यहाँ तक नोट डाउन हो गया, तो इसको रब करता हूँ। अब हम लोग चलते हैं बिहार और बंगाल की तरफ, ठीक है।